साल बदल गया लेकिन रिजल्ट नहीं बदला। लास्ट ईयर भी कुछ वैसा ही सिचुएशन थी। एक टाइम लग रहा था कि चेन्नई जीत जाएगी और अपने दोनों के दो मैचेस गुजरात से हार गई। इस साल भी सेम वही चीजें हुई। एक टाइम लग रहा था कि चेन्नई मैच जीत चुकी है, लेकिन वहीं पर आते हैं राशिद खान और जीत चेन्नई के हाथों से छीन के गुजरात को दे देते हैं। राशिद खान और तेवतिया ने अगेन अच्छा फिनिश किया और गुजरात को अपना पहला मैच जिता दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2023 के मैच नंबर सेकंड के बारे में, जो कि पंजाब किंग वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच मोहाली में 3:30 बजे खेला जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस आईपीएल में अगर आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते हो, क्वेश्चन के सही आंसर करते हो, तो आप लगभग 10 लाख के आसपास जीत सकते हो। कल के जो विनर्स थे, मैंने अपने टेलीग्राम पर आप लोग को अपडेट कर दिया है कौन कौन विनर है, आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए 10,000 का कैश प्राइज है, तो वीडियो को बिना स्किप करके ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों पहले बात करते दोनों ही टीमों की प्रोबेबली प्लेइंग 11 के बारे में। यहाँ पे बात करें पंजाब की, तो शिखर धवन के साथ में मैथ्यू शॉट ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद राजा पक्षा, फोर्थ नंबर पे इनके पास 3 ऑप्शन है, एक से अथर्वा, हरप्रीत या फिर राजबाबा को खिला सकते हैं, या फिर राजबाबा को आप नीचे 7 नंबर पे खिला लीजिए, राजबाबा, ऋषि या फिर हरप्रीत ब्रार। वहीं मिडिल ऑर्डर में 5वें 6 नंबर पे जितेश शर्मा और शाहरुख खान, उसके बाद 8वें नंबर पे सैम कुरन, राहुल चहर, अर्शदीप सिंह और नाथन एलाइस, ये इनकी प्रोबेबली प्लेइंग 11 होगी। वहीं केकेआर की बात करें तो गुरुवार के साथ वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद नीतीश राणा, रिंकू सिंह, नारायण जगदीशन, आंद्रे रसल, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, उमेश यादव, टिम साउदी और वरुण चक्रवर्ती, ये इनकी प्रोबेबली प्लेइंग 11 होने वाली है इस साल। अब उसको बात करते जब भी दोनों टीमें आमने सामने रही तब उनके रिजल्ट क्या रहे हैं। टोटल अभी तक 30 बार टीम आमने सामने रही, उस 30 बार में से केकेआर ने बाजी मारी है। केकेआर 20 मैचेस जीती है तो वहीं पंजाब मात्र 10 मैचेस जीती है। फर्स्ट बैट ने 11 मैच जीते तो सेकंड बैट ने 19 मैच जीते हैं। लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो केकेआर ने लीड ले रखी है 3-2 से। अब उसको बात करते जहां पे मैच खेला जाएगा मोहाली में, वहां पर क्या स्टैट्स है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहां पे T20 की बात करें तो 56 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 24 मैच जीते हैं फर्स्ट बैट ने और सेकंड बैट ने 32 मैचेस जीते हैं। यहाँ का जो एवरेज स्कोर है 166 है। हाईएस्ट यहाँ पे चेन्नई ने स्कोर किया था 240 और लोवेस्ट यहाँ पे दिल्ली ने 60 रन पे ऑल आउट हो चुकी है। स्कोरिंग पैटर्न बिलो स्कोर 150 12 टाइम, 150-169 15 टाइम, 170-189 21 टाइम और अब स्कोर 198 टाइम। यानी यहाँ पर जो मैक्सिमम स्कोर बनता है, एवरेज स्कोर बनता है 150 से लगभग 190 के बीच में, यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर देखने को आपको मिल जाएगा। वहीं बात करते पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैट्समैन के लिए काफी ज्यादा मदद है पिच में। यहाँ का जो एवरेज स्कोर है मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे इस मैच में लगभग 168 के आसपास स्कोर रह सकता है। वहीं बात करते पिच बाद में थोड़ी स्लो हो जाती है तो बैट्समैन के लिए थोड़ी दिक्कत है। यहाँ पे जो लास्ट 10 मैचेस खेले गए हैं 73 विकेट मिली है स्पिनर्स को और 44 विकेट मिली है यहाँ पे फास्टर्स को। लास्ट के जो 3 मैचेस यहाँ पे खेले गए शियाद मुश्ताक अली ट्रॉफी के, उसमें लो स्कोर बना था। यहाँ दोस्तों वैसे तो पिच जो है बैट्समैन के लिए सपोर्ट करती है, लेकिन जो रिसेंटली जो मैचेस हुए हैं शियाद मुश्ताक अली ट्रॉफी के, उसमें लो स्कोर देखने को मिला था। बारिश के आने के चांसेस 50% है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है प्लेयर्स ने। एक मैथ्यू शॉट है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बाकी शाहरुख खान ने एक बड़ी पारी खेली थी, 50 रन स्कोर किया था। यहाँ पे राजा पक्षा ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, 25 रन नॉट आउट है, उससे पहले 41 रन, 24, 1 और 6 रन। वहीं जितेश की कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। अथर्वा ने एक बड़ी पारी खेली है जिसपे 112 रन स्कोर किया था और नॉट आउट रहे थे, उससे पहले 1 रन, 44-76। वहीं बात करते हैं सैम कुरन, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 4 विकेट। यहाँ पे अर्शदीप ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हर मैच में विकेट निकाल के दे रहे हैं, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 4 विकेट। मैं बात करते हैं दूसरी टीम जो कि कोलकाता नाइट राइडर है, इनका हाल भी कुछ उसी तरीके का है। इनके अय्यर अब जा चुके हैं जिसकी वजह से टीम कहीं ना कहीं थोड़ी डिसबैलेंस नजर आ रही है स्टार्टिंग के मैचेस में। यहाँ पे नीतीश राणा की बात करें तो 11 रन, 6 रन, 0, 14 और 40। रिंकू सिंह की बात करें तो 108 रन स्कोर किया था, उससे पहले 8, 2 और 21। नारायण जगदीशन ने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी, 2 मैचेस में अच्छा स्कोर किया था, 125 और 77 रन स्कोर किया है। बाकी बॉलिंग अटैक की बात करते हो तो कहीं ना कहीं इनका बॉलिंग अटैक थोड़ा ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है पंजाब से। टिम साउदी है जिन्होंने 3 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, यानी हर मैच में विकेट निकाल कर दे रहे हैं, तो ये प्लेयर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होगा केकेआर के लिए।
वहीं बात करते हैं वरुण की, तो 3 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट उमेश यादव को विकेट मिली नहीं, लास्ट के 3 मैचेस विकेट नहीं मिली, उससे पहले 3 विकेट और 4 विकेट मिली है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। स्ट्रेंथ की बात करें तो पंजाब के जो लास्ट सीजन के जो लास्ट मैचेस खेले गए थे उसमें से कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग में थोड़ा सा सुधार हुआ था, बॉलिंग कुछ अच्छी नजर आ रही थी। वहीं मैथ्यू शॉट और ऋषि धवन इनका जो है वो एक तरीके से स्ट्रेंथ है। वहीं जितेश अथर्वा और राजापक्षा कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक पॉइंट नजर आ रहा है, क्योंकि जो इनका मिडल ऑर्डर है उसमें कोई बड़े प्लेयर नहीं है। राजापक्षा है इंटरनेशनल अच्छे प्लेयर है, बड़ी बड़ी हिट करते हैं लेकिन बड़ी पारी नहीं खेलते हैं, आते हैं एक दो हिट मारते हैं और कौन चलता बने। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर शिखर धवन, ये भी इनकी कमजोरी नजर आ रही है, इनके बल्ले से भी कोई बड़ी पारी अच्छी सी देखने को नहीं मिली है, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी है पंजाब किंग की। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे पंजाब और केकेआर कंपेयर करें तो केकेआर ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। केकेआर में एक और चीज की कमी है, उनके अय्यर जा चुके हैं तो रिंकू और नीतीश राणा के ऊपर दबाव ज्यादा होगा। वहीं रसल तो अच्छा परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं, बॉलिंग अटैक में टिम साउदी है, शार्दुल ठाकुर है और उमेश यादव है, ये इनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ओवरऑल मैंने बताया आपको कि केकेआर ज्यादा अच्छी टीम है। वहीं बात करते हैं फैंटेसी 11 की, तो विकेट कीपर में आपके पास जीतेश और गुरबाज दो ऑप्शन है, मैं तो कहूंगा दोनों के साथ में जाइएगा। बैट्समैन की बात करें तो नीतीश राणा, रिंकू सिंह और शाहरुख खान, यहाँ पे आप किसी एक को ड्रॉप करके या फिर ऑलराउंडर में एक को ड्रॉप करके शिखर धवन को ट्राई कर सकते हो, वैसे चांसेस कम है उनके चलने के। लास्ट जो मैच था फर्स्ट मैच उसमें मैंने आपको बताया था कि बैन स्टोक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, जल्दी आउट हो जाएंगे, वही सेम चीज हुई, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है। ऑलराउंडर की बात करें तो रसल, सैम पुरन, शार्दुल ठाकुर और मैथ्यू शॉट। बॉलिंग में बात करते तो अर्शदीप और टिम साउदी, यहाँ पे आप उमेश यादव को भी ट्राई कर सकते हो किसी एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करके। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए 11 प्लेयर की लिस्ट थी जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। कप्तान की बात करते हैं तो इसमें आपके पास रसल और सैम पुरन अच्छे कैप्टन की चॉइस है। वाइस कैप्टन में आपके पास मैथ्यू शॉट और यहाँ पे आपके पास नीतीश राणा, ये दो अच्छी चॉइस है। अब दोस्तों बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की, तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि एग्जैक्ट कितना स्कोर रहेगा, कितने विकेट पे रहेगा फर्स्ट इनिंग का, यानी इस मैच में जो भी टीम फर्स्ट बैट करने आएगी उसका कितना एग्जैक्ट स्कोर होगा, कितने विकेट के साथ में, और उसके आगे हैशटैग रॉयजर लिखना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं हमारे मैच प्रेडिक्शन की, तो आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो केकेआर थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अय्यर की कमी थोड़ी सी महसूस होगी, जिस वजह से पंजाब को मैं आपको यहाँ पे विनर घोषित कर रहा हूं। मेरे हिसाब से पंजाब इस मैच को जीत सकती है, अगर यहाँ पे पंजाब फर्स्ट बैट पे आती है तो 172 से 184 के आसपास स्कोर करते हुए नजर आएगी। वहीं अगर केकेआर फर्स्ट बैट पे आती है तो 168 से 178 के आसपास स्कोर करते हुए नजर आएगी। तो ये तो बात हो गई यहाँ के विनर की, लेकिन टेलीग्राम पर आप लोग को अपडेट दिया जाता है रनिंग मैच में, क्योंकि टॉस के बाद जाहिर सी बात है टीम में चेंजेस होते हैं, आंकड़ों में चेंजेस होते हैं, और जब इनिंग खत्म होती है तो एक स्कोर बनता है और पिच का जो बिहेवियर होता है वो चीजें देख के कहीं ना कहीं कभी कभार मैच विनर चेंज हो जाता है। तो अगर इस मैच में कोई भी अपडेट होगा वो हमारे टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलें।